दोस्तों, हमारी धरती जितनी दिलचस्प ऊपर से है, उतनी ही रहस्यमयी अंदर से भी है। धरती के पेट में ईंधन और बेशकीमती खनिज और रत्न भरे पड़े हैं। हीरा धरती के अजूबों में से एक है। आजकल हीरा कारोबारी सुर्खियों में है, यही वजह है कि इसके बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। आपने टीवी, फिल्मों या साक्षात रूप से किसी चमचमाते हीरे को देखा होगा। हीरे का जिक्र होते ही सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है, हीरा आखिर बनता कैसे है? चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हीरा बनता कैसे है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता का प्रतीक है। भारत हजारों सालों से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते हैं। 1700 के दशक के बाद से भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देश नहीं है। इसके बावजूद भारत में हीरे का खनन जारी है। 2013 में भारत की बड़ी औद्योगिक खदानों और कई छोटी खदानों को मिलाकर केवल 37,515 कैरेट हीरे खनन किए गए थे, जो उस वर्ष पूरे विश्व के उत्पादन का 132.9 मिलियन कैरेट का 1% के 10वें हिस्से से भी कम था। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्व के पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले भारत के गोलकुंडा क्षेत्र यानी कि आधुनिक हैदराबाद में नदी के किनारे की चमचमाती रेत में हुई थी। पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है और इस काम के कारण दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हीरा किस चीज का बना होता है? हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को अवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इस प्रकार हीरे 100% कार्बन से बने होते हैं। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है और सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.51 होता है। इंसान और जानवर से भी बनाया जा सकता है हीरा। कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है। जीवों का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो इसके टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचेंगे। बाद में उन टिश्यू को बहुत ज्यादा गर्म तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के अवशेष को हीरे में बदलने का काम करती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरे के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हीरा बनाने की कामयाब कोशिश, इस कोशिश को अंजाम दिया वैज्ञानिक डैन फ्रॉस्ट ने। लैब में कभी कभार होने वाले धमाके और अपने ऑफिस के फ्लोर के हिलने जैसी बातों से फ्रॉस्ट ज्यादा परेशान नहीं होते। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पृथ्वी के गर्भगृह जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की, जिनकी वजह से हीरा बना होगा। चट्टानों पर बहुत भारी दबाव डाला जाता है, जो इंसानी बूते से बाहर की बात है। ऐसे में कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाओं का होना ताज्जुब की बात नहीं है। अपने इस कार्य के दौरान फ्रॉस्ट को हीरा बनाने में कई चौंकाने वाले तरीकों का पता चला है। हीरा पीनट बटर से, इसमें सबसे चौंकाने वाला है भुनी हुई मूंगफली को पीसकर बनाए गए पेस्ट का इस्तेमाल, जिसे पीनट बटर कहते हैं। अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में हमने जितनी तरक्की की है उसकी तुलना में अपने ही पैर के नीचे दबी दुनिया के बारे में हमारी जानकारी काफी कम है। फ्रॉस्ट का कहना है कि अगर हमें ये जानना है कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई है तो हमें ये जानना होगा कि ये ग्रह किससे बना है। पृथ्वी उसी तरह के पदार्थों से बना है जिस तरह के पदार्थों से उल्का पिंड बने हैं, पर समस्या ये है कि पृथ्वी पर आने वाले अधिकतर उल्का पिंडों में सिलिकॉन का अनुपात पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सिलिकॉन से काफी अधिक होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि शेष सिलिकॉन कहां चला गया? एक संभावित उत्तर है कि वो पृथ्वी के निचले आवरण में आकर फंस गया होगा। फ्रॉस्ट ने इस काम के लिए सबसे पहले क्रिस्टल को गलाकर ऐसी चीज तैयार की जो कि धरती के भीतर मौजूद खनिज जैसा है। धरती की सतह से 800-900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव की वजह से क्रिस्टल की आणविक संरचना बदल जाती है और वो हीरे में तब्दील हो जाता है। वायुमंडल की तुलना में लाखों गुना अधिक दबाव पैदा करने के लिए उन्होंने एक पिस्टन का प्रयोग किया जो हीरे से बना है।
फ्रॉस्ट ने ध्वनि तरंगों को गुजारकर इस बात की तस्दीक की कि उनके लैब की स्थितियां धरती के गर्भ जैसी ही हैं, जहां हीरा जन्म लेता है। सीधे सीधे कहें तो फ्रॉस्ट अपनी प्रयोगशाला में उच्च दबाव की स्थिति पैदा कर वास्तव में कम सघन वायु से हीरा बनाने में सफल रहे। इस बात की संभावना कम है कि अपने इस प्रयोग से फ्रॉस्ट अमीर हो जाए। इस प्रक्रिया से हीरा बनाने में काफी लंबा समय लगता है। उनका कहना है कि अगर हमें 2 या 3 मिलीमीटर का हीरा चाहिए तो हमें इसके लिए इस प्रयोग को कई सप्ताह तक जारी रखना पड़ेगा। हीरा बनाने के अन्य तरीके, मगर उन्होंने अन्य स्रोतों से हीरा बनाने के ख्याल को छोड़ा नहीं है। जर्मनी के एक टीवी स्टेशन के कहने पर उन्होंने कार्बन की अधिकता वाले पीनट बटर से कुछ हीरे बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में निकले अधिक मात्रा में हाइड्रोजन ने इस प्रयोग को बर्बाद कर दिया, पर इससे पहले हीरा तैयार हो चुका था। अब फ्रॉस्ट का संस्थान विभिन्न गुणों वाले कृत्रिम हीरे बनाने की संभावना तलाश रहा है। हीरों को बोरॉन से रोगन करने से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए शायद बेहतर सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है, जो इस्तेमाल के दौरान ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। बेहतर सेमीकंडक्टर के अभाव में इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के प्रयोग में सर्वाधिक ऊर्जा की क्षति होती है। इसके अलावा सूक्ष्म नैनो ट्यूब के रूप में कार्बन की अन्य संरचनाओं का कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करके नए तरह के अत्यंत मजबूत हीरे तैयार किए जा सकते हैं, जो कि किसी भी ज्ञात पदार्थ से ज्यादा मजबूत होंगे। कमाल के नतीजे। फ्रॉस्ट के निष्कर्ष हैरत में डालने वाले हैं। अत्यधिक दबाव डालने के कारण एक नई चीज सामने आई है, जो कि गहरे नीले रंग का मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है और संभवतः पानी को रोके रखता है। ये परिणाम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि धरती के गहरे नीचे आवरण में कई समुद्र छिपे होंगे। फ्रॉस्ट का मानना है कि भूगर्भीय हलचलों ने संभवतः समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर उसे चट्टानों और बाद में पृथ्वी के आवरण में धकेल दिया होगा, जहां वो दबाव की वजह से हीरे में बदल गया होगा। फ्रॉस्ट का कहना है कि कार्बन के अन्य रूपों की तुलना में हीरे कम वाष्पशील होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें वापस वायुमंडल में मिल जाने की संभावना कम होती है। ऐसा समझा जाता है कि धरती के गर्भ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी के तपने की प्रक्रिया को धीमा किया होगा और उस पर जीवन के विकास में योगदान दिया होगा। पर फ्रॉस्ट की दिलचस्पी इस बात में है कि उनका प्रयोग पृथ्वी के इतिहास के गुप्त रहस्यों के बारे में कितना बताता है। अगर इस तरह के बड़े प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा पीनट बटर बर्बाद करने और एक आधा विस्फोटों का जोखिम उठाने से पीछे हटना ठीक नहीं होगा। कोयले से हीरे बनाना। विभिन्न भौगोलिक परिवर्तनों के कारण अनेकों पेड़ पौधों के जमीन के अंदर भूभाग में जमा हो जाने पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण होता है। वहां ऑक्सीजन का अभाव होता है। इन परिस्थितियों में पेड़ पौधे में उपस्थित कार्बन यानी कि कोलिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा हजारों लाखों वर्षों में कोल यानी कि पक्का कोल में परिवर्तित हो जाता है। किंतु यदि वहां का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, दबाव 70,000 एटमॉस्फेरिक हो तो कुछ कार्बन हीरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अब भूगर्भ से किम्बरलाइट चट्टान एक तीर की तरह सतह की ओर उठती है एवं अपने साथ हीरे के टुकड़े भी लेकर आती है। यदि इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे एवं भूगर्भ की गहराई पृथ्वी की सतह से 150 किलोमीटर अंदर हो तो ये हीरों को पृथ्वी की ऊपरी सतह तक ले आती है और यही हीरे लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु यदि रफ्तार, तापक्रम या चट्टान के ओरिजिन की गहराई में परिवर्तन आया तो हीरा ग्रेफाइट या कार्बन में बदल जाता है। पृथ्वी की सतह पर आया ये हीरा तराशने की निपुणतापूर्ण कठिन प्रक्रिया से गुजरता है, तब उसका संसार को चकाचौंध कर देने वाला रूप सामने आता है। विचारणीय बात यह है कि आखिर क्या संरचनात्मक फर्क है कि वही कार्बन एक परिस्थिति में हीरा बन जाता है, वही दूसरी परिस्थिति में कोयला ग्रेफाइट। ये जानने के लिए हमें हीरे और ग्रेफाइट की आंतरिक संरचना समझनी होगी। कार्बन की संयोजकता या कहें कि अन्य परमाणुओं से संयुक्त होने वाले बिंदु 4 होते हैं। डायमंड के केस में ये जो चारों संयोजकताएं कार्बन के अन्य परमाणुओं की चारों संयोजकताओं से संबंध होती हैं और अत्यंत कठोर, सुदृढ़, प्योर और संसार के सबसे अधिक दैदीप्यमान पदार्थ को जन्म देती हैं। किंतु ग्रेफाइट का अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्रेफाइट के केस में कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक भटक जाती है। एक कार्बन का परमाणु अन्यों के साथ सिर्फ
तीन संयोजकताओं से जुड़ता है और अब कार्बन हीरा नहीं ग्रेफाइट बन जाता है, जो ना विद्युत प्रवाह का विरोध कर पाता है, ना उसमें इतनी सुदृढ़ता व कठोरता होती है और ना ही वो चमक ना मूल्य। अब वो साधारण से आघात से टूटने वाला घूसर काले रंग का पदार्थ बन गया है। दोस्तों, आपको हीरे बनाने की अलग अलग विधियां कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।